श्रीमती रामचंद्राय नमः। आपदामपहर्ताजम् दातारं सर्वसंपदा लोकाभिजामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् लोकाभिजामं रणरंग राजीवनेत्रम् रघुवैशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरं तं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्र शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीसहित दिनकर वंशभूषण काम बहु छवि सोहई। श्री सहित दिनकर वंशभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अम्बुधर पर गात अम्बर पीत सुर मन मोहई। नव अम्बुधर पर गात अम्बर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजी।
मुकुटांगदा विचित्र भूषण अंग अंग प्रतिसजी अम्भोजनयन विशाल उर भुज धन्य नर निरखन्ति जी अम्भोजनयन विशाल उर भुज धन्य नर निरखन्ति जी धन्य नर निरखन्ति जी दिव्य गुणोपेत सत्वशील सन्निधान परम करुणा निधान भगवान श्री राम हमारे हृदयों में सदैव विराजित रहे। इस भाव के साथ मानस जी का स्वाध्याय कर रहे हैं हम। तुलसीदास महाराज जी सर्वप्रथम समस्त देवताओं के वंदन पूर्वक गुरु वंदना कर रहे हैं। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जास बचन रवि कर निकर। ऐसे गुरुदेव जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, नित्य सिद्धावस्था को प्राप्त हैं, जो भगवान श्री हरि के कृपा अवतार ही हैं, करुणा अवतार ही हैं, नर रूप हरि, नर रूप में जो हमारे उद्धार के लिए, हमारी सब प्रकार की सहायता के लिए श्री हरि ही अवतरित होते हैं। ऐसे नर रूप हरि कृपा सिंधु गुरु महाराज जी के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। हमारे हृदय के महामोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए जिन गुरुवर के वचन रवि किरणों के समूह स्वरूप हैं, और भी यहाँ पर आगे गुरु महिमा के ही, गुरु महात्म्य के ही कुछ दोहे और चौपाइयाँ हैं, उनको सर्वप्रथम, क्योंकि बिना गुरु के किसी भी जीव का उद्धार, किसी भी जीव के चित्त के अंधकार का, हृदय के अंधकार का विनाश नहीं हो सकता और उसमें श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती। तो इसलिए गुरु का स्थान सनातन परंपरा में सर्वोपरि रखा गया है। गुकारस्तंधकार रूकारस्तन्निवारक। गुरु शब्द में जो दो अक्षर हैं गु और रु, वहाँ पर गु को अंधकार का वाचक कहा जाता है और रु का अर्थ होता है उसका निवारण करने वाला, अंधकार की, अज्ञान की निवृत्ति करने वाला। तस्माद् अंधकार निवारकत्वाद् गुरु इत्यभिधीयते। इसलिए गुरु का नाम, गुरु की संज्ञा गुरु है ही इसलिए, चूंकि वो शिष्य चित्त के अंधकार का विनाश करने वाले होते हैं। उन्हीं की गुरु संज्ञा है, जो गुरु वही जो साधु सेवाए, गुरु वही जो विपिन बसाए, गुरु वही जो शिष्य चित्त का अंधकार मिटाए, उन्हीं के गुरु संजय। तो ऐसे श्री गुरु चरणों की वंदना तुलसीदास महाराज जी सर्वप्रथम कर रहे हैं कि जिनकी कृपा से हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है। बंदं गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुच परिवारु।
सुकृति संभूतन बिमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मल हरनी किए तिलक गुन गन बस करनी श्री गुरुपद नख मनि गन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती दलन मोहतम सो सप्रकाशु बड़ी भाग उर आवई जासु उघरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि राम चरित मनिमानिक गुप्त प्रकट जह जो जेहि खानिक। श्री गुरु चरण वंदना का क्या महात्म्य है उसको कहते हैं महाराज तुलसीदास जी। बंदों गुरु पद पदुम परागा, मैं श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ। चरण कमलों में जो धूली है रज कण है उनकी वंदना करता हूँ। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, ये रज कैसी है, ये श्री गुरु चरण रज कैसी है, तो सुरुचि बहुत सुंदर स्वाद वाली है। सुवास और अत्यंत दिव्य सुगंधि युक्त है। सरस अनुरागा और अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। अमीय मूरिमय चूरण चारु, वस्तुतः जो श्री गुरु चरण रज है वो मानो संजीवनी जड़ी का हम चूर्ण बना दे तो संजीवनी जड़ी का चूर्ण जैसे किसी भी व्यक्ति को संजीवित करने के लिए समर्थ होता है, वैसे ही श्री गुरु चरण रज समन सकल भव रुज परिवारु, हम जीवों के संपूर्ण भव रोगों का जो परिवार है उस समस्त भव रोगों के कुल का नाश करने वाली है, जो अन्य किसी प्रकार से हो नहीं सकता। भव रोग अविद्या जनित रोग क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये पांच मूल क्लेश हैं जिनके कारण अन्य सारे दुख जीव के अनुभव में आते, तो इन चित्त दोषों का नाश करने वाला सर्वोत्तम उपाय श्री गुरुचरण रज ही है। ये किसी भी अध्यात्म पथिक के लिए, किसी भी भक्त के लिए संजीवन चूर्ण के समान है। ऐसे श्री गुरुचरण कमलों के रज की तुलसीदास महाराज जी कहते हैं मैं वंदना करता हूँ। बंदों गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरण चारु, समन सकल भव रुच परिवारु। ऐसी श्रद्धा श्री गुरुजनों में, भागवत जनों में जब किसी साधक की होती है, जब किसी भक्त की होती है, तभी उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है। उपनिषदकार ऋषियों ने भी यही कहा है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, जिस व्यक्ति की देवाधिदेव परमात्मा में परम भक्ति है, अत्यंत सर्वोत्कृष्ट कोटि की भक्ति है, लेकिन जैसी भक्ति परमात्मा में है, जैसा भाव भगवान जी के प्रति है, वैसा ही भाव जिसका गुरु के भी प्रति है। यथा देवे परा, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, जैसी देवता में, जैसी देवाधिदेव भगवान में भक्ति है, भाव है, वैसा ही जिसका श्री गुरु चरणों में भी भाव होता है। जो भगवान जी में और गुरु में भेद नहीं देखता है, श्री हरि और श्री गुरु चरण ये
एक ही है, इनमें जो भेद नहीं करता है। तस्य हेते कथिताश्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः, उन्हीं महात्मा जनों के हृदय में जो शास्त्र में कहे गए गूढ़ तथ्य हैं, अतीन्द्रिय विषय हैं, वो प्रकाशित होते हैं। उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी को भक्ति रस की प्राप्ति होती है। तो इन तथ्यों को महाराज तुलसीदास जी साक्षात अनुभव कर चुके हैं, इसलिए सर्वप्रथम श्री गुरुचरणों की वंदना कर रहे हैं, श्री गुरुचरण कमलों की रज की वंदना कर रहे हैं। बंदम गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, कि मानो जैसे उस रज का से अधिक स्वादु, अधिक सरस, अधिक अनुराग युक्त कोई वस्तु अन्य संसार में है ही नहीं, ऐसे सुरुचि सुवास पूर्ण श्री गुरुपद रज संजीवन चूर्ण के समान है। और कैसे है तो कहा, सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। ये जो श्री गुरुचरण रज है ये भाग्यवान जनों को प्राप्त होती है। सुकृति, सुकृति अर्थात सुंदर हैं कर्म जिनके, सुंदराणि कृतयः येषां ते सुकृतिनो जनाः, शोभनानि कर्माणि येषां तानि ते सुकृतिनः जनाः। ऐसे जो सुकृत लोग हैं, पुण्यवान पुरुष हैं, उनके शरीर पर श्री गुरुचरण रज धारण की हुई ऐसे सुशोभित होती है कि जैसे संभूतन विमल विभूति, जैसे भगवान शंकर जी विभूति धारण करते हैं ना, समस्त शरीर पर भस्म धारण करते हैं, तो भस्म धारण करके भगवान श्री शंकर जी जैसे सुशोभित होते हैं, वैसे ही श्री गुरुचरण रज धारण करके पुण्यवान पुरुष सुशोभित होते हैं। ये उनके शरीर पर धारण की गई निर्मल विभूति है। मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल मंगल और सुंदर, मंगल की जननी है, कल्याण की जननी है। मोद प्रसूति और आनंद को, चित्त में आनंद को उत्पन्न करने वाली है। प्रसूति अर्थात जननी है, उसको उत्पन्न करने वाली है। जन मन मंजु मुकुर मल हरनी, जन जन यहाँ पर भक्त जन है, उनके मंजु मन को, उनके सुंदर मन रूपी दर्पण के सभी मलों का हरण कर लेने वाली है। भक्त जनों के चित्त के समस्त दोषों का, वासनाओं का, दुर्भावों का, मलों का विनाश करने वाली ये विभूति है। हृदय पर धारण करते हैं श्री गुरु चरण रज को तो चित्त के समस्त दोषों का हरण करने वाली है। और किए तिलक गुण गण बस करनी, और जब उससे तिलक धारण करते हैं श्री गुरुचरण रज से, तो समस्त गुणों को मानो भक्त जनों के वश में प्राप्त करा देने वाली है। तो श्री गुरुचरण रज की हम वंदना करते हैं, जो आस्वादन की गई सबसे अधिक सुरुचिपूर्ण है, सुबास पूर्ण है, सरस है, अनुराग पूर्ण है, और ऐसा सुंदर चूर्ण है, ऐसा औषध है जो समस्त भव रोगों के परिवार का नाश करने वाला है। और शरीर पर धारण की गई श्री गुरु चरण रज ऐसे सुशोभित होती है मानो भगवान श्री शंकर जी के दिव्य देह पर भस्म सुशोभित होती है, विभूति सुशोभित होती है। और जो मनुष्य श्री गुरुचरण रज को विभूति रूप में शरीर पर धारण करते हैं, उन भक्त जनों के समस्त मंगलों का, समस्त आनंदों का ये विभूति जननी रूप हो जाती है। जन मन मंजु मुकुर मल हरनी, हृदय के समस्त दोषों को
समस्त मलों को निवृत्त करने वाली होती है, कि तिलक गुण गण बस करने, और तिलक रूप में, तिलक स्वरूप में धारण की गई हुई ये रज समस्त दिव्य गुणों को प्राप्त कराने वाली है। तो इस प्रकार से इन दो चौपाइयों में श्री गुरुचरण रज की महिमा का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कर रहे हैं। बंदम गुरु पद पदुम परागा, बंदम गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरी मय चूरन चारु, अमीय मूरी मय चूरन चारु, समन सकल भव रुच परिवारु, समन सकल भव रुच परिवारु, सुकृति संभूतन विमल विभूति, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मल हरनी, जन मन मंजु मुकुर मल हरनी, की तिलक गुण गण बस करनी, की तिलक गुण गण बस करनी, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोहतम सोस प्रकाशु, दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु, बड़े भाग उर आवहि जासु, उघर ही विमल बिलोचन ही के, उघर ही विमल बिलोचन ही के, मिट ही दोष दुख भव रजनी के, मिट ही दोष दुख भव रजनी के, सूझ ही राम चरित मनि मानिक, सूझ ही राम चरित मनि मानिक, गुप्त प्रकट जेहि जो जेहि खानिक, गुप्त प्रकट जह जो जेहि खानिक। इन दो चौपाइयों में आगे
श्री गुरु पद नख ज्योति की क्या महिमा है, क्या महात्म्य है, उसका वर्णन तुलसीदास महाराज श्री कर रहे हैं। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु महाराज के चरण नखों की जो ज्योति है, चरण नखों का जो प्रकाश है वो मणियों के प्रकाश के समान है। मणिगण ज्योति, जैसे मणियों का प्रकाश होता है, अंधकार को दूर करके प्रकाशित करने वाला होता है। अभी तो हम लोग नहीं जानते, पूर्व में सूर्य मणि ऐसे मणि एक हुआ करती थी जो जैसे किसी भी अंधकार युक्त कक्ष में हम दीपक रखते हैं तो प्रकाश होता है ना, उसी तरह से मणियां रखी जाती थी, उनसे ही अंधकार दूर होकर के प्रकाश हो जाया करता था। तो उसी का दृष्टांत दे करके तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि श्री गुरु महाराज जी के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है। और मणियों का प्रकाश तो ऐसा होता है कि उस मणि को वहाँ हम रखें कहीं पर अंधकार युक्त स्थल में, तब प्रकाश होगा, तब वहाँ का अंधकार दूर होगा। लेकिन श्री गुरु चरण नख ज्योति की महिमा ऐसी है कि उसका स्मरण करने मात्र से ही हृदय में दिव्य दृष्टि उपस्थित हो जाती है। हम मणि को रखे नहीं भौतिक रूप से, जो मणि पहले होती भी थी, अभी तो नहीं होती, सब लुप्त हो गए हैं, लेकिन जिस समय होती भी थी तो उस समय भी स्थिति कैसी थी कि हम मणि को रखेंगे वहाँ पर उस स्थान पर, तब अंधकार दूर होगा, तब प्रकाश होगा। मणि का हम मन में मात्र स्मरण करें तो उससे अंधकार दूर नहीं होता। जैसे अभी का उदाहरण ले तो प्रदीप का केवल आप स्मरण करें तो उतने मात्र से अंधकार दूर नहीं होता ना। रात्रि के घोर अंधकार में 12 बजे हम सूर्य का स्मरण मात्र करें, उससे अंधकार दूर नहीं होता। सूर्य भगवान जब आते हैं प्रातः काल में तभी अंधकार दूर होता है। लेकिन श्री गुरु चरण नख ज्योति की महिमा क्या है, तो इसको कहा सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, इसका स्मरण मात्र करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। दलन मोहतम सो सब प्रकाशु, और वो सुंदर प्रकाश कैसा होता है, श्री गुरु चरण नख ज्योति का, नख मणि का सुंदर प्रकाश कैसा होता है कि दलन मोहतम सब प्रकाश, वह सुंदर प्रकाश इतना दिव्य प्रकाश है कि वह सारे के सारे मोह रूपी अंधकार का भी, भौतिक अंधकार का विनाशक, विनाश तो पुनरपि सरल है लेकिन हृदय के अंधकार का, हृदय के मोह रूपी अंधकार का विनाश तो बड़ा विकट कार्य है, उस अंधकार का भी विनाश कर देने वाली ये श्री गुरु चरण नख ज्योति है। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं जिस जन के हृदय में, जिस भक्त के हृदय में ये दिव्य ज्योति, ये श्री गुरु चरण नख ज्योति प्रकाशित हो जाती है, वह जन, वह व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली है। बड़े भाग और आवई जासू, जिसके हृदय में यह प्रकाश आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। क्यों? क्योंकि जिसके हृदय में ये प्रकाश, श्री गुरु चरण नख ज्योति प्रकाश प्राप्त हो जाता है, उस भक्त जन के उघरई विमल बिलोचन ही के, उस प्रकाश के हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। एक हमारी भौतिक आँखें हैं, है ना, भौतिक नेत्र होते हैं, एक हमारे हृदय के नेत्र भी होते हैं। हमारी भौतिक आंखें जब खुली रहती हैं तो भी हमारे हृदय के नेत्र प्रायशः बंद ही रहते हैं। वो किसके खुलते हैं? तो तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि जिसको श्री गुरु कृपा प्राप्त है
उसी के ये हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। श्री गुरु चरण नख ज्योति जिसके हृदय में प्रकाशित हो जाती है, उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। उघ रही बिमल बिलोचन ही के, मिट ही दोष दुख भव रजनी के। और ये जो संसार रूपी रात्रि है, इसके जो दोष दुख हैं वो नष्ट हो जाते हैं। सूझ ही राम चरित मणि माणिक, और श्री राम चरित्र रूपी मणि माणिक्य गुप्त प्रकट जहां जो जही खानिक। जो भी गुप्त हैं अथवा प्रकट हैं, जिस खान में जिस निधि में गुप्त हैं, वो सब उस भक्त जन के हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसे श्री गुरुचरण नख ज्योति का महात्म्य है। ये दिव्य ज्योति श्री गुरु कृपा से, श्री हरि कृपा से हम सभी के हृदयों में प्रकाशित हो गए। रघुनंदन भगवान श्री राम की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सेवेभ्यो नमः।